हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका और एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज कबड्डी चषक हो रहा है जलगांव में, तो मोस्टली सब टीम ने अपने अपने स्क्वाड डिक्लेयर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे मुंबई शहर के स्क्वाड की। मुंबई शहर लास्ट दो स्टेट लेवल टूर्नामेंट होते उसमें चैम्पियन रहे थे। जो 70th महाराष्ट्र स्टेट चैम्पियनशिप हुआ था उसमें मुंबई शहर विन हुआ था। उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भी मुंबई शहर विन हुआ था। तो मुंबई शहर को ये बहुत अच्छा चांस है हैट्रिक लगाने का, कंटिन्यू थर्ड चैम्पियनशिप विन करने का। तो मुंबई शहर ने पॉसिबल अच्छे अच्छे कबड्डी प्लेयर को सिलेक्ट किया है। तो आपको बताता हूँ उनका स्क्वाड क्या है, कौन से प्लेयर को सिलेक्ट किया है। लास्ट जो उनका जो स्क्वाड था उसमें से क्या चेंजेस है, इसमें सब आपको बताता हूँ मैं कौन से प्लेयर सिलेक्ट किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए छत्रपति शिवाजी महाराज कबड्डी चषक के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पर्धा होती है। महाराष्ट्र जो कबड्डी लवर्स है, कबड्डी टीम्स है, उनके लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है सब ट्राई करते हैं इसको विन करने का। तो सब अपना पॉसिबल स्क्वाड डिक्लेयर करते हैं, तैयार करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो देखते हैं मुंबई शहर ने कौन से प्लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। मुंबई शहर के जो कैप्टन होने वाले हैं वो है संकेत सावंत, क्योंकि लास्ट दो चैम्पियनशिप हुआ था उसमें संकेत सावंत ही कैप्टन थे। संकेत सावंत बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है और बहुत अच्छे लीडर है। संकेत सावंत पुनेरी पल्टन से खेलते हैं और यूओ पल्टन से भी खेलते हैं, जो पुनेरी पल्टन का हिस्सा है। लेफ्ट कवर लगाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके साथ बहुत ही अच्छे लीडर हैं, क्योंकि उनके कैप्टनशिप में कंटिन्यू दो चैम्पियनशिप विन किया मुंबई शहर ने। तो मुंबई शहर को बहुत सारी उम्मीद है संकेत सावंत से, क्योंकि अगर यहाँ पे वो विन करते तो उनकी वो हैट्रिक हो जाएगी कंटिन्यू थर्ड चैम्पियनशिप। तो देखते संकेत सावंत एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन कैसा कर पाते मुंबई शहर के लिए। अगले जो प्लेयर है वो है ओमकार मोरे। ओमकार मोरे बहुत ही अच्छे डिफेंडर और यूज़फुल रेडर है, एक यूज़फुल ऑलराउंडर है। बहुत अच्छा राइट कवर लगाते हैं और टाइम पे रेड भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। ओमकार मोरे की बात करेंगे तो ओमकार मोरे व्यावसायिक टीम यूनियन बैंक से खेलते हैं और वहाँ पे राइट कवर लगाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। उनकी जो टीम है जय भारत क्रीड़ा मंडल, वहाँ से खेलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। मुंबई शहर के जो लास्ट दोनों चैम्पियनशिप थे उसमें ओमकार मोरे का बहुत बड़ा हाथ था। तो ओमकार मोरे इस सेटअप में है, तो देखते हैं ओमकार मोरे इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं मुंबई शहर के लिए। अगले प्लेयर है अक्षय सोनी। अक्षय सोनी बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट रेडर है। उनके व्यावसायिक टीम की बात करेंगे तो BPCL से खेलते और रेगुलर BPCL के सेटअप में रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है और जो लास्ट दो चैम्पियनशिप मुंबई शहर ने विन किया था उसमें अक्षय सोनी का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, स्किलफुल रेडर है। और उनकी टीम की बात करेंगे तो विजय क्लब दादर से खेलते, जहाँ से अजिंक्य कापरे खेलते। तो अक्षय सोनी देखते इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं मुंबई शहर के लिए। मुंबई शहर के अगले जो प्लेयर है वो है प्रणय राणे। प्रणय राणे बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, बहुत ही स्पीडी रेडर है। उनका स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। Season 9 में प्रणय राणे ने यू मुंबा से डेब्यू किया था और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। स्टार्टिंग में उनको चांसेस मिले नहीं थे, लेकिन लास्ट के जो मैचेस थे उनमें उनको चांस मिला था और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था यू मुंबा के लिए। उनकी व्यावसायिक टीम की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा से खेलते और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। मुंबई शहर में उनकी जो टीम है वो है नवोदित क्रीड़ा मंडल और बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है। और जो Season 9 के बाद उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया उनके रेडिंग स्किल्स में, स्टाइल में, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मुंबई शहर को होगा, क्योंकि जो लास्ट ओलंपिक गेम्स विन किए थे उसमें मुंबई शहर के सेटअप में थे प्रणय राणे और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उन्होंने मुंबई शहर के लिए। तो इस बार देखते कैसा परफॉर्म करते मुंबई के लिए वो। अगले जो प्लेयर है वो है मयूर शिवतरकर। मयूर शिवतरकर बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, कॉर्नर लगाते प्लस रेडर भी है और उनके पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी खेलने का। बंगाल वॉरियर का हिस्सा रह चुके मयूर शिवतरकर और ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उन्होंने प्रो कबड्डी में भी। और हर बार मुंबई शहर के सेटअप में रहते और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मुंबई शहर के लिए। जो लास्ट दोनों टूर्नामेंट विन किए थे उसमें मयूर शिवतरकर मुंबई टीम का हिस्सा थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मुंबई शहर के लिए।
क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी खेलने का, स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेलने का। तो देखते हैं मयूर से उतर कर कैसा परफॉर्म करते हैं इस बार मुंबई शहर के लिए। अगले जो हमारे प्लेयर है वो है सिद्धेश लाड। सिद्धेश लाड बहुत ही अच्छे कॉर्नर है, ज़बरदस्त परफॉर्मर है, जो लास्ट दो चैम्पियनशिप विन किया था मुंबई शहर ने, उस टीम का हिस्सा थे और बहुत ही अच्छे टैकल लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है। सीज़न 9 में उन्होंने पुनेरी पल्टन से डेब्यू किया था, उनको ज़्यादा चांसेस मिले नहीं थे खेलने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छे डिफेंडर है। तो देखते हैं इस बार मुंबई शहर के लिए क्या परफॉर्म करते सिद्धेश लाड। अगले है जयेश यादव। जयेश यादव बहुत ही अच्छे रेडर है, इनको मैंने लोकल टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखा है, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। अगर इनको स्टार्टिंग से उनमें खेलने का मौका मिलता है मुंबई शहर के, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मुंबई शहर के लिए। अगले हैं हमारे सुशांत साहिल। सुशांत साहिल बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, दोनों साइड से रेड लगा सकते हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है नेशनल मैचेस खेलने का, स्टेट लेवल मैचेस खेलने का, प्रो कबड्डी खेलने का, क्योंकि पुनेरी पल्टन का हिस्सा थे, दबंग दिल्ली का हिस्सा थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है। उनके टीम की बात करेंगे तो अंकुर स्पोर्ट्स क्लब दादर से खेलते हैं सुशांत साहिल, और उनकी व्यावसायिक टीम की बात करेंगे तो GST कबड्डी टीम से खेलते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। तो देखते कैसा परफॉर्म कर सकते हैं वो अभी मुंबई शहर के लिए। मुंबई शहर के अगले जो प्लेयर है वो है सौरभ तुनतुने। अगले जो प्लेयर है वो है अजिंक्य कापरे। अजिंक्य कापरे बहुत ही स्किलफुल रेडर है, बहुत ज़बरदस्त, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है नेशनल मैचेस खेलने का, स्टेट लेवल मैचेस खेलने का, प्रो कबड्डी का एक्सपीरियंस उनके पास है, क्योंकि यूम्बो का हिस्सा रह चुके हैं, बेंगल वॉरियर से लास्ट सीजन खेले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है। उनके लोकल टीम की बात करेंगे तो विजय क्लब दादर से खेलते, और व्यावसायिक टीम की बात करेंगे तो GST कबड्डी टीम से खेलते अजिंक्य कापरे। अजिंक्य कापरे बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, अभी देखते कैसा परफॉर्म करते हो मुंबई शहर के लिए। अगले जो प्लेयर है वो है साहिल राणे। साहिल राणे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, कॉर्नर लगाते हैं प्लस रेडर भी है। उनके टीम की बात करेंगे तो गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब से खेलते जो मुंबई शहर में है, और उनकी व्यावसायिक टीम की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा से खेलते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है और बहुत अच्छे कॉर्नर लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छे उपयुक्त तो ऑलराउंडर है। अगर उनको मुंबई शहर के स्टार्टिंग से उनमें खेलने का मौका मिलता है तो मुंबई शहर के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं साहिल राणे। लास्ट जो प्लेयर है वो है जतिन विंदे। तो फ्रेंड्स ये था मुंबई शहर का स्क्वाड जो छत्रपति शिवाजी महाराज कबड्डी चषक के लिए जाएगा और वहाँ पे खेलेगा। लास्ट दो चैम्पियनशिप विन कर चुका है मुंबई शहर, तो आपको क्या लगता है ये अभी जो थर्ड चैम्पियनशिप वो भी विन करके मुंबई शहर हैट्रिक करेगा या मुंबई शहर को दूसरा कोई टीम बीट करेगा? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। मुंबई शहर ने पॉसिबल अपने अच्छे अच्छे प्लेयर भेजे इस टूर्नामेंट के लिए, तो मुंबई शहर के चांसेस 70% लग रहे हैं मुझे। बाकी की टीम भी ट्राई करेंगे, लेकिन क्योंकि मुंबई शहर के पास वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने लास्ट दो चैम्पियनशिप विन किए अच्छे अच्छे टीम को बीट करके। लास्ट जो टूर्नामेंट था उसमें उन्होंने अहमदनगर को बीट किया था, उसके बाद जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें मुंबई उपनगर को बीट किया था, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा विनिंग का, तो उसी कॉन्फिडेंस से वो ये टूर्नामेंट खेलेंगे और जीतने का फुल ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है मुंबई शहर के कितने चांसेस है विन करने के, और मुंबई शहर विन होके ये टूर्नामेंट हैट्रिक करेगा कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कौन से टीम के विनिंग के चांसेस ज़्यादा है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मुंबई शहर को चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कंटिन्यू दो टूर्नामेंट वो विन करके आए हैं और अच्छी टीम को उन्होंने बीट किया है, तो दूसरी टीम भी अच्छी तैयारी करके अच्छी स्टडी करके आएंगे कि मुंबई शहर को कैसे बीट करे। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा है ये टूर्नामेंट विन करने के? इस बार मुंबई शहर ही विन करेगी या हमको नया कोई चैम्पियन देखने मिलेगा? तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है। तो दूसरे भी जो टीम है उनके भी जो
स्क्वाड डिक्लेयर होंगे वैसे उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। देखता हूँ जैसे जैसे मुझे स्क्वाड सब मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वो मेहनत का फल हो जाएगा, तो ज़रूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी ये चैम्पियनशिप की जो भी डिटेल मुझे मिलेगी वो आप तक पहुँचाऊँगा, उसका शेड्यूल प्रॉपर, मैचेस कहाँ पे लाइव आ रहे हैं वो सब आपको पूरा मैं वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बने रहिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।